मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे क्योंकि अभी इनके पापा आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला है कि आलू के पराठे बना देना नाश्ते में, तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। और अभी जस्ट वो आने ही वाले हैं, काफ़ी दिनों के बाद बाबू से मिलेंगे। अब सुला के बताओ, छोटा था तो जानता था, अब थोड़ा ना जानता है तुमको। क्या हुआ क्या हुआ? मम्मा 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 हां भाले चले पानी में डाल के तले सोने के डाल दे कर फाल के दे दो। हां हां वो है लगाओ ले बजा कर वो होती है। 3 महीने बाद मिल गए हो अपने बच्चे से? वो कितने 4 महीने बाद। चार महीने बाद पूरे मिले हैं ये मेरे गुन्नू से। और कितना छोटा था जब ये? बहुत छोटा था, बहुत छोटे थे हमारे गए बेटे। थे तब ये बहुत छोटे, बहुत छोटा था, 15 दिन का था तो छोड़ के गए थे। टाइम बहुत जल्दी बीतता हुआ चला जाता है, पता नहीं चलता है। और इधर सब लोग आग ताप रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं चाय का। The next day. तो कल मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम ही हो जाता है। और इनकी ट्रेन थी 1 तारीख को, तो 2 तारीख को लखनऊ पहुँच गए थे और सुबह 9:30 बजे घर आ गए थे। उसके बाद से मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ, मतलब फ़ोन हाथ में उठाने का ही भी मौका नहीं मिला। तो कल थोड़ी थोड़ी देर पे मैंने वीडियो बनाई थी पर कंटिन्यू पूरी वीडियो नहीं बना पाई थी। और आज है 3 तारीख और आज भी सारा काम हो रहा है घर में। जब सब लोग आ जाते हैं तो मतलब आपको टाइम ही नहीं मिलता जब आप ही सब कुछ करने वाले होते हो। तो मैं और मम्मी हूँ, भाभी हैं नहीं, भाभी आ जाएंगी शाम को, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी रिकॉर्ड करने में, तो हम लोग अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाए थे कल। और ये काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे तो आके बस सो गए थे तुरंत। खाना वाना खा के आलू के पराठे बनाए थे नाश्ते में, वही सब लोगों ने नाश्ता सुबह कर लिया था। उसके बाद खाना बना था दोपहर में कल, दाल चावल, और वो तो खाया ही नहीं था इन्होंने क्योंकि इतना ज़्यादा थक गया था ट्रैवल के बाद, खाने का मन भी नहीं करता है बिल्कुल इसलिए। और वो फिर शाम को थोड़ा सा मतलब बाहर आग वाग जलाई थी पापा ने, तो बैठ गए थे तभी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और आज भी सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने, तो तैयारियां बस चल रही हैं। और कल है पार्टी और मैं भी अब जाने वाली हूँ। और कल जैसे ही ये आए तो बाबू को लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी इनको उठाने की, पर इतना ट्रैवल करने के बाद ऐसे हाथ तो लगा नहीं सकते हैं। तो शाम को ये बोल रहे थे कि जब तक बाबू को उठाया नहीं गोदी में तब तक मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी क्योंकि 4 महीने बाद इन्होंने उनको बाबू को गोद में लिया था। और मेरी सासू मम्मी भी आई हैं साथ में, तो वो बहुत सारी चीज़ें लाई हैं बाबू के लिए। क्या क्या लेकर आई हैं वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह से आप फ़ोन उठाई हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ कुछ। मेरा ब्लॉग नहीं आया है, 2-3 दिन के बाद तो ब्लॉग आता है मेरा, काफ़ी लेट हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो है ही है मेरे साथ जब तक छोटा है मेरा बाबू तब तक। और आज सुबह तो सासू मम्मी भी आई हैं और उन्होंने भी बाबू को पहली बार गोद में उठाया था, तो उनको बहुत मतलब मन में बहुत ज़्यादा चाहत होती है कि बच्चे को खिलाएं। तो बाबू उन्हीं के पास रहता है ज़्यादातर, और मतलब पहली बार मिला है फिर भी उन्हीं के पास आराम से रहता है, रोता भी नहीं है। और तैयारियां हो रही हैं, बस 1 दिन बाकी है, बाकी मुझे भी तैयारी करनी है जाने की अपने ससुराल, तो ये फंक्शन निपट जाए
तो फिर मैं भी अपना पैकिंग करती हूँ, सामान पैक करती हूँ और जाऊँगी हम और बाबू, उनके पापा और मेरी सास, सब इतने लोग हैं तो जाएंगे। और अभी कोई भी नहीं आया है, ना छोटी वाली बहन आई है, ना छोटा वाला भाई आया है, घर एकदम खाली है, सिर्फ यही लोग आए हैं, मतलब पापा और मेरी सासू मम्मी आई हैं बस। तो उसी में काम धाम बहुत हो जाता है, मैं और मम्मी मिलकर काम कर लेते हैं सारा, तो रिकॉर्डिंग करने का ज़रा भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यार बीच बीच में ना बच्चे को भी देना पड़ता है। और कल काश में मतलब कैमरे में कैद कर पाती वो पल जब पहली बार इन्होंने अपने बच्चे को उठाया था गोद में, एक्सप्रेशन देखने वाले थे। छोटा था तभी छोड़कर चले गए थे बेचारे, 15 दिन का ही था, और अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है, तब जरा सा छोटू सा था, बहुत ही क्यूट था तब, अभी भी क्यूट है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई ब्लॉगिंग, तो आप लोग थोड़ा सा समझिए मेरी प्रॉब्लम और सपोर्ट करिए। वैसे भी मेरे अभी व्यू बहुत कम आ रहे हैं, कोई देखता नहीं है मेरा ब्लॉग, पर मैं फिर भी डालती हूँ और कोशिश करती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है रिकॉर्डिंग करना और आप लोगों से बात करना, भले ही कोई मुझे देखे ना, मेरे व्यू ना आए, फिर भी मैं आप लोगों से बातें करती रहूँगी, अपनी लाइफ शेयर करती रहूँगी और कैसे क्या है मेरी लाइफ। अभी तो बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, बहुत कुछ दिखाना है, जो लाइफ यहाँ थी मेरी अब ससुराल में बिल्कुल चेंज है, डिफरेंट है मेरे लिए, सब कुछ वहाँ का चेंज है। तो वहाँ आप लोग देखिएगा कि कैसे मैं रहती हूँ, कैसा क्या घर है मेरा, कैसे क्या लोग हैं, कैसा कल्चर है वहाँ, सब कुछ अलग है, खाना पीना सब कुछ अलग है। तो एक साल से मैं यहाँ थी और अब मुझे रात में नींद नहीं आती है सोच सोच के कि कैसे मैं जा पाऊँगी। तो कल है पार्टी, कल आई होप कि मैं किसी को अपना मोबाइल दे दूँ रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप लोगों को रिकॉर्ड करेगा। और आज सारा खोया हुआ सुबह आ गया है रसगुल्ले बनने के लिए और सारा सामान चला गया है। खाना जो है वो हमारे जो टिम्बर स्टोर है, दुकान है ना रोड पे, वहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ बन रहा है आसपास तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती, पर वहाँ मैं जा नहीं सकती हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। तो वैसे मैं कहूँ, कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊँ रिकॉर्ड करके। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और फिर कोशिश करूँगी कि ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ और अच्छे ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग और सपोर्ट करिए प्लीज़।